हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज क्लास ट्वेल्थ थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, आपने इससे पहले क्लास टेंथ में पढ़ा था हाउ डू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस, अगर थोड़ा सा उसको याद करिए तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। प्लांट रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आपने पढ़ा इससे पहले, एंड अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन। वहाँ भी दोनों सिमिलर चीज़ें थी, बस वहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कम था, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको पूरा फुल्ली डिटेल पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एक बार थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। रिप्रोडक्शन, तो बेटा री मीन्स होता है अगेन, री मीन्स होता है अगेन, एंड प्रोडक्शन मीन्स होता है प्रोड्यूस करना, मतलब अपनी सेम स्पीसीज को दोबारा प्रोड्यूस करना। ठीक, एंड ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस विच इज सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज जो अपनी जैसी सेम स्पीसीज को दोबारा प्रोड्यूस करता है जो कि सिमिलर होती है उस ऑर्गेनिज से। क्लियर, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन प्रोसेस मेंटेन कर, मतलब कह सकते हो ये इस अर्थ सरफेस पे ऑर्गेनिज का बैलेंस मेंटेन रहे, मतलब जनरेशन टू जनरेशन, तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो जनरेशन आती है वो इस प्रोसेस के थ्रू होती है। तो री मीन्स होता है अगेन, प्रोडक्शन मीन्स होता है प्रोड्यूस, मतलब ऑर्गेनिज अपनी सेम स्पीसीज का प्रोडक्शन करता है जो कि उसी की तरह जस्ट सिमिलर होती है। ठीक, तो हमें कौन सा पढ़ना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये तो थी बात इसकी मीनिंग की, डेफिनेशन ऑलरेडी आपके बुक में है, तो डेफिनेशन के अभी पीछे नहीं, सिंपल सी डेफिनेशन है, ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस यंग वंस विच इज सिमिलर टू इट सेल्फ। ठीक, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको क्या करना है, मेल फीमेल। ह्यूमन में आपको पता है, ह्यूमन आपने इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में हाउ डू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस में आपने दो बेसिक चीजें पढ़ी थी, यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मींस क्या होता है, सिंगल, मतलब मेल फीमेल अलग अलग होंगे, एंड बाईसेक्सुअल क्या होगा, बोथ पेरेंट प्रेजेंट इन सिंगल इंडिविजुअल, मतलब एक ही बॉडी में मेल फीमेल दोनों के फीचर्स होंगे, जबकि यूनिसेक्सुअल में मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। तो ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन एक यूनिसेक्सुअल है, मतलब मेल अलग होंगे और फीमेल अलग होंगे। तो अगर मैं इसमें बात करूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अच्छा एक चीज और, आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये चीज मैं यहां पे नहीं कर रहा हूं। ठीक, हमको पता है ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, जो सिंगल पैरेंट बॉडी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर इन सिंगल पैरेंट, मतलब इनमें पैरेंट बॉडी सिंगल होगी, दो नहीं होंगे। गैमेट, नो गैमेट फॉर्मेशन, कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। नो गैमेटिक फ्यूजन, कोई गैमेटिक का गैमेट फ्यूजन नहीं होगा। मोस्टली यूनिसेक्सुअल होंगे ये। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मल्टीसेलुलर, इसमें ऑर्गेनिज्म जो होगा वो दो डिफरेंट पेरेंट बॉडी, मतलब एक मेल और एक फीमेल, दो डिफरेंट पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व होती है इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें गैमेट का भी फॉर्मेशन होता है और गैमेटिक फ्यूजन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज अपने मतलब डिवीजन के अकॉर्डिंग वो प्रोड्यूस करता है वो सिमिलर होता है, जस्ट उसे क्लोन कहा जाता है, कार्बन कॉपी होता है अपने पेरेंट का। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल दोनों से डिफरेंट कैरेक्टर आते हैं, इसलिए वो अपने पेरेंट से थोड़ा डिफर होता है, उसमें वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पे वेरिएशन नहीं हो पाता, लिटिल वेरिएशन है बट वो नहीं माना जाता। ठीक, तो एसेक्सुअल सेक्सुअल हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था फर्स्ट चैप्टर में। हम डायरेक्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो ठीक है, देखते हैं बेटा। आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम
और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले तो जान लेते हैं कि पार्ट कौन कौन से होते हैं, फिर वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने क्लास 10 में पढ़ रखा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ फोर कंपोनेंट्स। फोर कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? टेस्टिस, एक्सेसरी, डक्ट्स ग्लैंड्स एंड फोर्थ वन होगा बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ फोर कंपोनेंट्स, दैट इज टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। टेस्टिस ये प्लूरल है, सिंगुलर इसका होता है टेस्टिस, TESTIS, ठीक। तो वहां पे हमें लिखना पड़ता है वन पेयर टेस्टिस, अभी के लिए मैंने लिखा है प्लूरल, तो टेस्टिस डायरेक्ट लिखा जाता है। एक्सेसरी डक्ट कौन कौन सी होती है? वासा डिफेंस, वासा डिफेंसिया, एजेकुलेटरी डक्ट, ये सारी डक्ट इसमें इंक्लूडेड होंगी। ग्लैंड्स में आपकी होगी बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड्स, ठीक, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये इसमें इंक्लूड होती है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो लास्ट पार्ट होता है बॉडी का, मतलब वहां से यूरिन और सीमेन दोनों पास आउट होते हैं। तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया में कौन कौन से पार्ट आएंगे आगे चल के हम देखेंगे, बट अभी के लिए ध्यान रखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया। इसी तरीके से सॉरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ वन पेयर ओवरी, यहां पे ओवरीज लिखा जा सकता था, वन पेयर ओविडक्ट यूटेरस वेजाइना एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड सिक्स वन मैमरी ग्लैंड्स। तो ये बेटा सिक्स कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। फर्स्ट है वन पेयर ओवरी, आप वहां ओवरीज लिख सकते थे, तो वन पेयर हट जाएगा वहां से। वन पेयर ओविडक्ट, इसमें ओविडक्ट होती है, यूटेरस होता है जिसे गर्भाशय कहते हैं, बच्चेदानी कहा जाता है, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मेमरी ग्लैंड्स, ये सिक्स कंपोनेंट्स होते हैं इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो मैंने आपको नोट सेंड कर दिया था, बाय द वे अभी के लिए आप ऐसे एज इट इज, अगर उसको नहीं आपने कॉपी किया तो आप इसको ऐसे एज इट इज कॉपी कर लीजिए। हाँ, नोट्स कॉपी पेन लेके बैठिएगा, और जहां पे डाउट होता है प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर लीजिएगा, ठीक। अभी उसको नोट डाउन करिए। ठीक बेटा, तो ये तो हो गई बात मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आते हैं बेसिक चीज, स्टेप इन इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती वो देख लेते हैं। बेसिक स्टेप्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस,
ठीक बेटा, तो बेसिक स्टेप्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं? सेवन स्टेप्स। फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस इन द सेंस फॉर्म प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट आइदर इन मेल मेल आइदर इन फीमेल। तो गैमेटोजेनेसिस गैमेट का फॉर्मेशन, इंसेमिनेशन मतलब मेल एंड फीमेल में जब सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होता है तो सीमेन का ट्रा मतलब सीमेन इंटर करता है फीमेल बॉडी में ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। देन फर्टिलाइजेशन, मेल एंड फीमेल गैमेट बोथ आर फ्यूज्ड एंड फर्टिलाइज्ड टू फॉर्म जाइगोट। ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट में डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो मारुला ब्लास्टुला स्टेज होती है ऐसे करके आगे पढ़ेंगे आप उसको। तो ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट एंड देन वो ट्रांसफर होता है ओविडक्ट से यूटरस की तरफ तो इम्प्लांटेशन एंड फाइनली जाइगोट कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड लास्ट फाइनल स्टेप्स होती है पार्टिलेशन जिसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ बर्थ ऑफ बेबी मतलब जब बच्चे पैदा होता है उसकी डिलीवरी होती है तो उस प्रोसेस को ये कहते हैं। तो ये सेवन स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो हमें अभी के लिए क्या करना है, इन स्टेप्स को ना फॉलो करके अभी तो पहले मुझे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब उसके सारे पार्ट्स उनके फंक्शन वो सारे स्टडी करने हैं, देन हम पढ़ेंगे वन बाय वन सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला फर्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके हम आगे चलते हैं। ये बेटा मेल का सिंबल होता है, ये सिंबल छोड़ दीजिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको बताया मैंने बना होता है वन पेयर टेस्टिस। क्लियर, वन पेयर टेस्टिस ग्लैंड्स लिखा था मैंने, एक्सेसरी डक्ट लिखा था एंड क्या लिखा था फाइनली लास्ट क्या लिखा था एक और लिखा था मैंने एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो अभी के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहला जो पढ़ना फर्स्ट है जैसे मैंने लिख दे रहा हूं यहां पे फिर से एक बार, ग्लैंड्स हो गई, एक्सेसरी डक्ट हो गई, एंड फोर्थ वन हो गया आपका बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये फोर कंपोनेंट्स होते हैं मेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ वन पेयर टेस्टिस ग्लैंड एक्सेसरी डक्ट एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो फर्स्ट हेडिंग राइट डाउन, फर्स्ट हेडिंग टेस्टिस। इसका सिंगुलर क्या होता है, टेस्टिस, TESTIS, ये सिंगुलर। अगर आप इसको लिखते हैं तो आपको वन पेयर टेस्टिस लिखना होगा, अदरवाइज आप ये लिख सकते हो डायरेक्ट टेस्टिस। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला कंपोनेंट क्या है, टेस्टिस। अब इसका डिस्क्रिप्शन कुछ चीजें मैं आपको सिंपली बता दूं, टेस्टिस आपको मैं नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करूंगा उसका। सबसे पहला पॉइंट टेस्टिस, आप इसके शेप साइज ये भी सभी भी लिखूंगा मैं इसका कैसे क्या होता है, बट अभी के लिए ध्यान रखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मेल बॉडी ह्यूमन बॉडी में, मेल बॉडी में टेस्टिस बॉडी से बाहर लोकेटेड होता है, इनसाइड द बॉडी नहीं होता, आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है। ठीक, नंबर में कितने होते हैं, वन पेयर। शेप कैसा होता है, ओवल इन शेप, टेस्टिस बॉडी के बाहर होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में होता है जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। ठीक, तो मैं इसको रिटर्न लिख रहा हूं, वन पेयर टेस्टिस